नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले मौसम की जानकारी हमने आपको दी थी। चंचल सिंह राणा जी का स्वागत है और उसमें बताया था कि सोलन में आज बारिश होने की संभावना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोलन में थोड़ी देर पहले धूप खिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे बादल छाए और अब हल्की हल्की बारिश सोलन में शुरू हो चुकी है। और तस्वीरें सोलन के चंबाघाट क्षेत्र की है और पूरे ज़िले में बारिश होने की संभावना आज मौसम विभाग की ओर से पहले ही व्यक्त की गई है। सोलन सहित कांगड़ा, शिमला, ऊना में बारिश सुबह से ही हो रही थी और बिलासपुर जिला और सिरमौर जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट वैसे जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जैसे लाहौल स्पीति में आज बादल छाए हुए थे, किन्नौर और कुल्लू में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, मंडी में भी सुबह बादल छाए हुए थे। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में आज बारिश का थोड़ा मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो 25 सितंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह हिमाचल प्रदेश में बिगड़ा रहेगा। 25 दिसंबर तक प्रदेश में जो बारिशों का दौर है वो चलता रहेगा, उसके बाद मॉनसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा, उसके बाद बारिशों से प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। अब आज से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है और ऐसे में मौसम भी को मौसम का जो हाल है वो बिगड़ गया है। तो उसके वजह से जहाँ पर शादियाँ हो रही है, थोड़ी मौसम भी खलल डालने का काम आज कर रहा है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त सोलन में बना हुआ, घने बादल आसमान पर छाए हुए हैं। सुबह के वक्त जब 7 बजे के करीब हमने मौसम की अपडेट दिखाई थी तो उस वक्त सोलन में हल्की हल्की धूप छाई हुई थी, बीच में बादल भी थे, लेकिन हमने पहले ही मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई थी उसी जानकारी को साझा करते हुए बताया था कि सोलन, ऊना, सिरमौर और बिलासपुर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कांगड़ा की हमारे को सूचना उस वक्त दर्शकों ने दी थी कि कांगड़ा के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, मंडी में बादल छाए हुए थे, लाहौल स्पीति से भी दर्शकों ने हमारे सूचना दी कि वहां पर भी बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर आज हल्की हल्की बारिश, कहीं और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से भी संभावना जिस तरह की व्यक्त की गई है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, तो उस तरह का मौसम इस वक्त सोलन में भी बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी बना हुआ है। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ इस वक्त पालमपुर से जुड़े हैं, पालमपुर की मौसम को लेकर अपडेट हमें देते रहते हैं और कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में है, पालमपुर और पालमपुर के आसपास के क्षेत्रों को। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर इस वक्त किस तरह का मौसम है इसके बारे में भी थोड़ा हमें जानकारी दें और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है वहाँ की जानकारी को साझा करें ताकि आगे अन्य जो हमारे साथ और दर्शक जुड़े हैं वो भी अपडेट हो सके कि किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम है हिमाचल प्रदेश में चला हुआ, क्योंकि शादियों का दौर है। अंजना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि शादियों का सीज़न आज से शुरू हुआ है, शादियाँ बहुत सारी पूरे प्रदेश में हो रही है तो लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी है, तो ऐसे में मौसम की जानकारी उन्हें मिल जाए तो काफ़ी सुविधा भी होगी ताकि वो उसी तरह से कार्यक्रम बना सकें कि वहाँ पर मौसम किस तरह का है, उसी तरह की तैयारियाँ कर सकें। हिमाचल प्रदेश में आज काफ़ी सारी शादियाँ हैं हर जगह पर, क्योंकि काफ़ी समय बाद शादियों का जो सीज़न है वो शुरू हुआ है। तो इस तरह से प्रदेश में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सोलन की तस्वीर है, चंबाघाट का क्षेत्र आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश इस वक्त शुरू हो गई है और मौसम विभाग की माने तो सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। उसमें सिरमौर जिला भी है, ऊना भी है, कांगड़ा भी है, शिमला भी है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, मंडी है, बिलासपुर है, तो इस तरह। और हमीरपुर के नदौन में भी सुबह बारिश हो रही थी और चंचल सिंह राणा जी ने हमें बताया है कि पालमपुर एरिया, भवारना, थुरल, जयसिंहपुर, आलमपुर सुबह सुबह बारिश के बौछार हुई है, तो उन क्षेत्रों में बारिशें हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त बारिशों का दौर बीच बीच में चला हुआ है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में आज बारिश की संभावना बनी हुई है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर बारिश हो चुकी है, तो इस तरह का मौसम है, मिक्स जैसा मौसम है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी संभावना आज बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। सोलन की तस्वीरें हैं, धीरे धीरे बारिश अब यहाँ पर भी तेज़ हो रही है। लगातार सोलन में सुबह के वक्त
हल्की हल्की धूप छाई हुई थी, उसके बाद मौसम ने करवट बदली और अब बादल छा गए। बादल छाने के बाद अब बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के कारण सोलन का जो तापमान है उसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पहले सोलन का जैसे कल था तो कल 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, लेकिन जिस तरह से बारिशें हुई है तो मौसम में थोड़ी ठंडक है और इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन की है, बारिश धीरे धीरे अब हल्की, पहले हल्की थी, अब थोड़ी तेज़ बारिश सोलन में हो रही है, गर्जना भी बीच बीच में हो रही है। तो कुल मिलाकर आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। तो हमारा सभी दर्शकों से आग्रह भी है कि बारिश को देखते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें और यदि आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी व्यवस्था करें कि बारिश से बचाव की, और क्योंकि प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी नुकसान बारिशों में हुआ है, कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पर भूस्खलन हुए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखें। सड़कों मार्ग से जब जाएं तो थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं पर भूस्खलन की स्थिति तो नहीं है, इस तरह की सावधानी जरूर बरतें। और तो पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम के अपडेट में फिलहाल बस इतना ही और हम आपको तस्वीरें सोलन की दिखा रहे हैं। हरा भरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, सोलन का चंबा घाट का क्षेत्र है, हल्की हल्की बौछारें यहाँ पर अब बरस रही है और बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में कई जगहों पर मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान लगाया गया था बारिश का और 25 सितंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। शादियों का सीजन भी है, बहुत सारी शादियां प्रदेश के आज कोने कोने में हो रही है, तो लोगों ने घरों से बाहर निकल कर शादियों के कार्यक्रमों में भी जाना है। मौसम का जिस तरह के हालात है तो उसे देख कर ही अपना कार्यक्रम तय करें कि किस तरह का मौसम उनके हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।